हाँ जी, नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अद्वितीय अनुभव को आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहा हूँ। कल रात फिर से अपने प्रेरणामूर्त श्रीमान संतोषा जी आनंद, उनसे एक थेरेपी ली, जिसे कहते हैं डीप ट्रांस हिप्नोटिक स्टेज। तो आत्मसम्मोहन की एक क्रिया है, एक प्रक्रिया है। तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि बस एक हेडफोन लीजिए, कानों में लगा लीजिए और रिलैक्स होकर सो जाइए, आंखें बंद करके, और सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान देते रहें। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है, आ रही है, जा रही है। सहज भाव से, दृष्टा भाव से उसको ऑब्जर्व करते रहें, और जो हम कह रहे हैं उसको सजगता से सुनते चले जाएं, सुनते चले जाएं। हमने ऐसा ही किया, और ऐसा करते हुए एक ज़्यादा समय नहीं हुआ होगा, विद इन अ फ्यू फ्रैक्शन ऑफ मिनट, मीन्स आप कह सकते हैं 30 से 45 या 50 सेकंड के भीतर भीतर हम पता नहीं कहाँ गुम सा हो गए थे। एक एक मतलब आवाज़ों में ही इतनी सम्मोहन थी कि मैं जैसे कि गुम सा हो गया था, गायब सा हो गया था, ध्यान हो गया में चला गया था, या बॉडीलेस हो गया था, या उस कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट हो गया था और उसकी फ्लो को महसूस कर रहा था। कुछ भी मतलब कहना, आई एक्सपीरियंस कांट बी एक्सप्रेस्ड इन द वर्ड्स, इन फैक्ट, है ना। तो आप समझ सकते हैं हमारे चेहरे के ऊपर जो पहले खुशी है, आनंद की अनुभूति है उसको, है ना। तो मेरी तंद्रा टूटी, और तब तक हिप्नोथेरेपी हमारा कंप्लीट हो चुका था। दोबारा जब उनका कॉल आया तब हमने रिसीव किया, और उन्होंने हमने बताया कि भाई हमने तो थेरेपी ली ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा, समझाया हमें कि उस समय हमारे मन की स्थिति, ब्रेन की स्थिति डेल्टा लेवल पे थी। डेल्टा लेवल क्या होता है? 0 से 4 के बीच में ही हमारे मन के अंदर संकल्प पैदा होते हैं। तो क्या होता है, एक विज्ञान है मन का, कि जितना कम संकल्प हमारे मन का होता है उतना ही गहरी शांति की अनुभूति हमारी अंतरात्मा करती है, और शायद हम वही कर रहे थे, है ना। तो एक बार फिर से एक अपने आप में हम बहुत ही हायर ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, हायर पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस। तो एक बार फिर से हम भाग्यशिला एकेडमी कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर, और साथ में एक कमिंग इमर्जिंग गोल्डन प्रोजेक्ट जिसका नाम है सेव द सोल ऑफ इंडिया के भी डायरेक्टर हैं हमारे श्रीमान संतोषानंद प्रभु। तो इनको हम साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, दिल से कृतज्ञ और आभार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।